कि पिछले दो दिनों से हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है, और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है, और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। दिस इज ए क्वेश्चन ऑन द सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री एंड द मेजर ऑपोजिशन पार्टी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन जॉर्ज सोरोस शुड बी डिस्कस्ड, बिकॉज हम आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मैं दो दिन से इस विषय को रख रहा हूं, और हमारे लोग उस बात के लिए उद्वेलित हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। प्लीज प्लीज टेक योर सीट्स। और अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है, ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। दिस इज ए डिजाइन टू डिविएट द अटेंशन ऑफ द नेशन फ्रॉम द इशू ऑफ द सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री, देश की संप्रभुता पर जो खतरा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है, ये टूल बनकर के, औजार बनकर के उनका साथ दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक पदों पर, हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, ये भर्त्सना योग्य है। इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, वन एंड ऑल इट शुड बी कंडेम्ड। और ये इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो। जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और हमारे चेयर के डिसीजन को किया है, वो निंदनीय है और देश कभी माफ नहीं करने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश बहुत उद्वेलित है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। हाउस स्टैंड्स एडजर्न टू मीट एट 11 एएम ऑन थर्सडे द 12th दिसंबर 2024। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।